अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ स्कर्दू बल्तिस्तान। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने कुछ बहुत ही अरसे से ना ट्रिप नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे ट्रिप करना चाहिए और आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा पहाड़ों का व्लॉग बनाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और बोर्डिंग करवाते हैं। हेलो, कहाँ जा रही हो? तो जा रही हूँ। मत जाओ। क्यों क्यों ना जाऊँ, आप भी आ जाओ ना मेरे पीछे पीछे। ठीक है ठीक। ये क्या था? उसके ऊपर लाना। और ये हमारी अक्सा फिर से आवारा गर्दी करने जा रही है वंस अगेन। बड़े अरसे के बाद जा रही हूँ। हाँ, इसलिए बेचारी मुरझा गई थी, अब फिर अब से वापस आ गई। अभी देखा था। और ये जी अक्सा साइबर जो है तो हो गई चेक इन। चले चले जी, हम जा रहे हैं। मेरी हो चुकी है और डेटा का वेट किया जा रहा है। डेटा होता है फिर हम स्कर्दू पहुंच जाएंगे। सब मैं मौजूद हूँ स्कर्दू एयरपोर्ट पे और मैं आपको दिखा देती हूँ स्कर्दू का व्यू। ये हमारा प्लेन है ईडी हैरी और हमारे कैप्टन थे कैप्टन आमिर बशीर, उनके साथ हमारा ये सफर बहुत अच्छा रहा। अब मैं आपको स्कर्दू घुमाऊँ। तो जी बैग का वेट हो रहा है, पता नहीं कितनी देर में मेरा बैग आएगा। देर आई फाउंड माई बैग, आ जा जल्दी आ जा। अपने रूम में मैं पहुंच चुकी हूँ और मेरे साथ एक बहुत बैड सीन हो गया। मैं ट्रांजेक्शन करने गई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरी अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो गई थी, तो उस वजह से अब मैंने ये हेल्पलाइन पे कॉल लगाई हुई है और मैं कब से वेट कर रही हूँ कि कोई मेरी कॉल उठाए और मैं रिवर्स करवाऊँ अपनी अमाउंट। यहाँ पर मौसम ठंडा है फिलहाल, तो धूप वगैरह निकली हुई है, तो इस वजह से मैं ये जैकेट शैकेट पहन के बैठी हुई हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुंदा वैली में और अभी हमारी पूरे आधे घंटे की हाइकिंग पड़ी हुई है और मैं इधर स्टक हो गई हूँ। ये ऊपर से आपको चुंदा वैली का व्यू नज़र आ रहा होगा, ये किस जैसी है? स्विट्जरलैंड जैसी, यहाँ के लोकल ने मुझे बताया है। अकॉर्डिंग टू लोकल्स, जब ये हमारे रास्ते में आते हैं तो उनको नेक शगुन माना जाता है। मैं वहाँ से आई हूँ और ये मैं उस ब्रिज पे जाऊँगी और ये मुझे एक गार मिला है। लेट्स एक्सप्लोर दिस केव। ये थोड़ा सा स्लिपरी है लेकिन नामुमकिन नहीं है क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कैमरा बंद ही कर देती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ। ओह, ये तो बंद है ऊपर से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मैं इस ब्रिज पर पहुँच चुकी हूँ, पीछे से हाइकिंग करती हुई आई। ये थोड़ा लकड़ी का बना हुआ है ब्रिज, एक्सक्यूज़ मी। अब इस ब्रिज को मैं यहाँ से क्रॉस करती हुई जाऊँगी। वाओ, यो, यहाँ से आपको सारा व्यू भी नज़र आएगा नीचे का। ये देखें, ये बर्फ मेरा पीछा ना कभी भी नहीं छोड़ती है। तो अगेन ग्लेशियर आ गए। करूँ, ये एक इंसान बैठा है। ओ, ये तो कोई गैर इंसान है। हेलो, आप कौन है, कहाँ से आए हैं? ओ, ये तो कोई पागल बैठा है जो बर्फ खा रहा है, एक्सक्यूज मी। लोग आकर कचरा फेंक कर चले जाते हैं, ये कोई पागल इंसान बैठा हुआ था। सो गाइस, मैं चुंदल वैली में मौजूद हूँ और पीछे मल्थरो ब्रिज है जिसको वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज भी कहा जाता है। और ये सामने आप खूबसूरत सी बकरियां देख सकते हैं। गाइस, ये हमें मारना चाहते हैं, ये कब से हमें खड़े होके देख रहे हैं। पहले इन बकरियों के पीछे पड़े हुए थे और अब ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। चले जाओ यहाँ से। ये मुझे पीछे से वहां से नहीं जाने दे रहे थे,
ये कह रहे थे कि मैं गिर जाऊंगी। फाइनली थक हार के मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और ये सब कुछ बिखरा हुआ है, अभी इसको भी समेटना है, चेंज भी करना है। आज का दिन बहुत अच्छा था, मतलब मैं इस गर्दुम से जो एक्सपेक्ट कर रही थी ना इस बार कि मुझे हाइकिंग करनी है, वो मुझे मिल गई। चुंदा वैली में गई थी और बहुत प्यारी जगह है, आप सब भी जाइए विजिट कीजिए इस गर्दू को और मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।